नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आपट। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पूरी में हूँ और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ समंदर के बिल्कुल पास से। बैठा हुआ हूँ, बहुत रिलैक्सिंग है ये वाले बीच में। ज़्यादा कुछ भीड़ भाड़ नहीं है, बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं कुछ यहाँ पे। इधर में ये सेट है, चार चार कुर्सियों का, 100 रुपये लेते हैं घंटे का बैठने का। दोस्तों एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, मैं आज सुबह सुबह नहा लिया, मॉर्निंग में जल्दी उठ गया था 5 बजे ही एक्साइटमेंट में कि मॉर्निंग में बीच के पास जाऊंगा, और अभी आ भी गया हूं, लेकिन उठते ही नहीं आया क्योंकि ये सब नहीं था। जब ये सब लग गया, ये सब कुर्सी ये छतरी, तो अभी आया हुआ हूँ और अभी लग रहा है कि मुझे नहा के नहीं आना था। दादा हैं, ट्यूब राइड करवाते हैं और वो चूँकि लाइफ गार्ड हैं तो ऐसा कोई खतरा नहीं है कि मैं डूब जाऊँगा, क्योंकि उनका काम ही है डूबते हुए को बचाना। सोच रहा हूँ कि एक बार फिर नहाया जाए इस समंदर में, खारे पानी में फिर जाके नहा लूँगा। मतलब कि मॉर्निंग में नहाया, अभी नहाऊँगा, फिर जाके नहाऊँगा 3 बार। इसके बाद मुझे घूमने भी निकलना है। मैंने होटल वाले भैया को बोल दिया है कि भैया मुझे एक गाड़ी चाहिए रेंट पे, अवेंजर, बुलेट या स्कूटी, कुछ भी चलेगा। तो बोले कि ठीक है, मैं अरेंज करता हूँ, अभी बताएंगे वो। और मैं आज गोल्डन बीच भी जाऊँगा, यहाँ से पास में ही है, यहाँ से पैदल भी जा सकता हूँ एकदम, लेकिन गाड़ी में जाऊंगा। नहा लिया जाए क्या यार। तो अभी मैं समंदर के लहरों के बीच में जाने वाला हूँ दादा के साथ और ये बड़े भैया जी मेरा वीडियो कर देंगे क्या नाम है जी आपका? कालिया। अच्छा, ये जो भैया हैं, कालिया भैया जी, ये फोटोग्राफर है। चले चले दादा, सामान रख दूंगा ठीक है। ठीक है, अभी मेरे पास कैश नहीं थे, उन्होंने शुरू में बोला था कि कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास कैश नहीं है तो होटल से ले लूँगा। गीले कपड़े पहन के जा रहा है, टी शर्ट वैसे मेरा गीला नहीं है। ये बीच और ये किनारे
NRC रॉयल पैलेस अभिषेक इंटरनेशनल और इसके बगल में मेरा होटल होटल बालाजी इंटरनेशनल। अभी और गीला हो गया। अभी मैं इस होटल के स्विमिंग पूल की तरफ जा रहा हूँ। स्विमिंग पूल एरिया किधर है वो दिख गया, थोड़ा नहा लूँगा। अरे यार यहाँ पर लड़कियाँ हैं जो कि नहा रही हैं। यहाँ से जा रहा हूँ भाई, कल देखता हूँ नहा लूँ स्विमिंग पूल में। अभी तो मैं रूम पे जाके नहाऊँगा मस्त। वैसे स्विमिंग पूल में क्या उम्मीद करोगे कि आप अकेले नहाओगे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता भाई, तो मैं क्या करूँ। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ बाद में आपसे। तो एक बार फिर से मैं नहा लिया हूँ दोस्तों, और अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। बुफे नहीं लगा आज, उन्होंने बोला कि आज आपका नाश्ता रूम पे पहुंचेगा, तो इधर आ चुका है। ये भटूरे हैं शायद, और इडली और सांभर वगैरह कुछ। ये भाई चाय भी आ गया, ये अलादीन का चिराग वाले जग में। अलादीन मुझे चाय दो। ये लो। अभी मैं घूमने के लिए निकल रहा हूँ यहाँ से। हाँ, जाएंगे दोस्तों। ये दुर्भाग्य की बात है कि मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि जगन्नाथ टेम्पल यहाँ का बंद है, बाकी सब कुछ ओपन है। लेकिन काश जगन्नाथ मंदिर खुला होता। दुर्भाग्य की बात नहीं है भी बोल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ खुला हुआ है। ये जगन्नाथ जी की कृपा ही है। इतने प्यारे प्यारे बीचेस हैं, इतना अच्छा ये पूरी है, प्राकृतिक नज़ारे हैं, तो ये उन्हीं का आशीर्वाद है और किसी न किसी माध्यम से मुझे मिल रहा है। तो ठीक है, मैं बाहर से जगन्नाथ मंदिर का दर्शन जरूर करूंगा, और आज यहाँ लोकल ही घूमूंगा, और कल मॉर्निंग में मैं निकल सकता हूँ घर के लिए। तो ठीक है, निकल गया मैं। ये पूरी एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ एक अच्छी साफ सुथरी सिटी भी है। पहले पेट्रोल डलवा लेता हूँ स्कूटी में, गोप्रो कैमरा रहता तो अच्छा होता। ऐसे मोबाइल में तो गाड़ी भी चलाओ, कैमरा करो, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा रिस्क है। अभी मैं गोल्डन बीच पार होके आया, लेकिन वीडियो शूट नहीं किया। पहले पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद जगन्नाथ टेम्पल जाएंगे। बंद है तो क्या हुआ बाहर से, लेकिन यार जगन्नाथ मंदिर दो चार दिनों में खुल जाएगा, क्योंकि आज एक मीटिंग है, आज फैसला होगा उसके ऊपर कि जगन्नाथ मंदिर को खोलना है नहीं, क्योंकि कोणार्क का सूर्य मंदिर खुल गया है। दोस्तों आज जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 4 अगस्त 2021 है। हो गया भाई, पेट्रोल डलवा लिया। ये लंबी लाइन लगी हुई थी वहाँ, पेट्रोल डलवाने में ही लगभग 20 मिनट का टाइम लग गया। अभी मैं जा रहा हूँ जगन्नाथ टेम्पल, यहाँ से 1.6 किलोमीटर दिखा रहा था गूगल मैप में, वो देखे दोस्तों यहाँ से दिखाई दे रहा है पूरी का जगन्नाथ मंदिर। हेलमेट वगैरह सब स्कूटी में ही छोड़ दो, स्कूटी का यही फायदा है। ये देखिए, ये मंदिर का एंट्रेंस इधर से है, लेकिन अभी बंद है तो कोई अंदर नहीं जा सकते। बस यहीं से दर्शन करो और जाओ। यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएंगे जो आपको प्रसाद लेने के लिए बोलेंगे, और बोलेंगे कि प्रसाद ले लीजिए, हम लोग अंदर भोग चढ़ा देंगे, ऐसा तो आप लोग वो कर सकते हैं। ये देखिए रथ, जो कि रथ यात्रा में ये रथ निकलता है। मंदिर के अंदर जाने का बहुत मन है भाई, पर क्या करूँ। मंदिर के बाहर मार्केट में अच्छी खासी भीड़ तो है, बस मंदिर बंद है। ये पूरी में टूरिज्म बंद होने की वजह से सब लोगों का धंधा मंदा है। Thank you.
बस अभी सीधा गोल्डन बीच जाना है और उसके बाद देखता हूँ। थैंक यू, पैसे दे दिए ना। ये मेरा स्कूटी थोड़ा पुराना सा है लेकिन चलेगा। यहाँ पार्किंग में लगा दिया हूँ, गोल्डन बीच है इधर, जो कि पूरी का सबसे फेमस बीच है गोल्डन बीच। यहाँ अच्छी खासी भीड़ है, जहाँ मेरा होटल है वहाँ वाला बीच तो एकदम शांत सा है। वास्तव में मुझे वैसा ही पसंद है, लेकिन ठीक है, इस बीच में भी घूम लेते हैं। एक दे दो। मेरे शरीर में पानी की कमी को पूरा करेगा ये नारियल पानी। ओ भाई आ गया यहाँ पर ये बैठने वाले में, जाएगा तो नहीं। हेलो, यहाँ पर वाइड एंगल की जरूरत पड़ रही है मुझे, लेकिन चालू नहीं हो रहा है। किधर से? ओए हे ओ भाई अड़बड़ मजा हो। क्या नाम है दादा इसका? विजय। सॉरी विजय दादा, आज आपको मुझे ढो के चलना पड़ रहा है। क्या करें, इंसान थोड़ा सेल्फिश हो बैठता है अपनी खुशियों के लिए, और मैं भी इंसान हूँ। ये कैमल राइड का 200 मीटर लेके जाते हैं, जाना आना करके 400 मीटर 100 रुपये लेते हैं। सही है, थैंक यू विजय। विजय नाम है इस कैमल का। बीच का मजा लेते हुए बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इधर देखिए मछली की तरह इधर फड़फड़ाते हुए, और ये बड़े आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, और ये क्या बने हैं पता नहीं। अरे दादी मजे ले रही। अरे भाई ओए, अरे मैडम जी आप क्या करना चाह रही हैं? ओहो सब धुल जाएगा इनका, सारे पाप इनके बालू के रूप में धुल गए। चलता हूँ अभी यहाँ से। ये विजय है या कोई और? ये विजय का भाई अजय। बाय अजय भाई। यहाँ क्या करूंगा लेकिन बैठ के, मुझे फिर से वहां बीच में जाने का मन कर रहा है। दोस्तों अच्छा हुआ कि होटल मैंने यहाँ इस बीच के पास में लिया। यहाँ से पैदल पैदल भी जाएं तो गोल्डन बीच जा सकते हैं, यहाँ पास में ही है, 10 मिनट लगेगा। देखिए एक और कैमल, मैंने आप लोगों को विजय से मिलाया, अजय से मिलाया,
ये दिग्विजय है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था यहाँ एंड करने का समय हो चुका है। आज के वीडियो की शुरुआत हुई थी समंदर के पास से ही और एंड भी यहीं हो रही है। इसके बाद मैं पूरी में रुकता हूँ या फिर वापस जाता हूँ, मैं बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग अपना ख्याल रखिए, बहुत ही जल्द मिलूंगा मैं आपसे। टेक केयर।